बैक टू माय चैनल V81 और आज हम खेलने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल फिर से। और बताइए कैसा हाल आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम खुश और तंदुरुस्त होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मेरे को नहीं पता। तो गाइस चलो स्टार्ट करते वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं मैंने बैटल पास कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इसकी भी वीडियो डालूंगा। पर आज हम यूज़ करने वाले एक नया वेपन, ना ही वो एक मिली वेपन है, ना ही वो एक प्राइमरी वेपन है, वो एक सेकेंडरी वेपन है, मतलब पिस्टल। तो पिस्टल में जैसे कि आप जानते हैं रेंटेटी, आइए मैं रेंटेटी क्या है इसका नाम, रैने टट्टी गाइस, तो गन का नाम है रैने टट्टी। तो आ जाइए रैने टट्टी के साथ खेलते हो। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ सीधे एक मैच के अंदर, ओके गाइस। तो गाइस मैं फाइनली मैच के अंदर आ चुका हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ रेंटेटी को यूज़ करने के लिए। पर क्या इसका सच में नाम रेंटेटी है, होगा रेंटेटी, मेरे को तो यही पढ़ने में आ रहा है, मैं रेंटेटी बोल रहा हूँ। आती बेस्ती करवा ली है भाई, इज्जत नाम की कोई चीज ही ना है। काफी अच्छा पिस्टल है भाई, ये कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है पूरा। ये देख रहो एम करूंगा पूरा हिलने लग जाएगी, देखो इतना तेज हिलती है भाई, मैं मारूंगा कैसे। ये सब रेंटिटी के पीछे पड़े हैं, ये क्या रेंटिटी के पीछे पड़े हैं, उनको क्या रेंटिटी चाहिए, मतलब रेंटिटी चाहिए इनको। ओ हेडशॉट मिल गया मुझे, नाइस। अब गोल्ड अनलॉक कर पाऊंगा इसमें भी। इसके पास डमास्कस है, देखो डमास्कस है इसके पास। तुम इतना प्यार क्यों करते हो भाई, जिसको देखो भाई M4 LMG के पीछे ही पड़ा है, बोलते M4 LMG बेस्ट गन है। अब बहुत कम लोग जानते हैं इसके लिए लोड आउट, फिर मेरे को तो लोड आउट नहीं पता भाई, मैं तो नई नई गन्स ट्राई करता हूँ। बेचारी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। अरे यार इतना गंदा एम कैसे हो सकता है, मर भी नहीं रहा बंदा। अरे मनहूस गन है, इतनी हिलती क्यों है, मर भी नहीं रहा बंदा। अबे मर जा क्या, एपी के मोड यूज कर रहा है, इसकी बैंस की टैक्स पीछे पड़ गया। तेरी प्रॉब्लम क्या, इतने हिलती क्यों है, अभी तेरे अंदर घुस के मैं डीएल छोड़ा दूंगा तेरे को। वैसे अभी हाँ हमने जोन ले लिया, भाई मेरे को लगा डबल डीगल से तो मंगा ही मत लो भाई, जब इसके लिए अकिम्बो आ जाएगा फिर लूँगी इससे फटेगी, क्योंकि भाई ये तो भाई बर्स्ट चलती है। वैसे हाँ ये पहला बर्स्ट वेपन है और वो भी पिस्टल की फॉर्म में, ये पहला बर्स्ट वेपन है, ये बर्स्ट है ना, बर्स्ट ही है देखो। प्योरीफायर चला रही है, दूर है मुझसे। ओ भाई ऐसी तैसी कर दी यार, मेरे को प्योरीफायर बिल्कुल नहीं पसंद, एक बार मार दिया ना इफेक्ट मरने तक रहता है। ये वेल्डिंग गन लगती है मुझे वैसे, पता है बीआर में भी ऐसी होती है वेल्डिंग गन, मैं ये गन क्यों यूज़ कर रहा हूँ। बंदा कोई अंदर कैंप कर रहा है, पीछे पड़ गया, पीछे आ गए, पीछे है मेरे, पीछे है मेरे, पीछे है। सच में यार मजाक चल रहा है क्या, परेशान कर दिया भाई, मतलब कुछ भी हो रहा है इस गेम में। अभी ऐसी तैसी करता हूँ तेरी, अरे नहीं यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, सामुराई हूँ मैं इसलिए उछल रहा हूँ इतना, वरना तो अभी सीधे जाके मुंह में मारता। हे भगवान तेरी प्रॉब्लम क्या, चाटे खाएगा मुझसे तू अब। इसके लिए कॉड एपिक स्किन दे दो यार, ये गन काफी अच्छी है पिस्टल में। MW11 इससे ज्यादा अच्छी है भाई, ये कॉड कैसी गन ला रहे हो तुम यार, इतनी हिलती है भाई ये गन, स्क्रीन इतनी तेज हिलती है, देखो एम बंदा कैसे लगा पाएगा, इतनी हल्की गन है, प्लास्टिक से बनी है।
ये देखो बंदे को पता ही नहीं है चल क्या रहा है जिंदगी में। मैं भी ऐसी तैसी हेडशॉट ले, मेरा ही उठा के चला गया वल्चर पैक। आजा आजा बंदे आजा, मैं चाटा मारूंगा कि भाई की टांट। नहीं 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 मेरे को स्कैन मत कर भाई, क्या गंदी स्क्रीन स्क्रीन हिल रही है भाई। रुक जा तेरी ऐसी की तैसी। क्लोज रेंज से भाई काफी फास्ट किल है इसकी वैसे। अभी तो भाई इसमें भी मर रहा हूँ मैं, रैंक मैच होता सोचो भाई रैंक मैच में तो गंदी वाली मार देते, मेरी ऐसी तैसी कर देते, इतना गंदा वाला मारते ना मुझे। इफेक्ट चढ़ा दिया, लो यार मौत ही खानी थी यार। प्योरीफायर आई हेट यू, बैन कर दो प्योरीफायर को या नर्फ कर दो। मेरे को ना गुस्सा आ रहा है, दूर हट जा मुझसे, भाग जा यहाँ से। मजाक बना के रखा हुआ है, जिसको देखो मार के जा रहा है। तेरी प्रॉब्लम क्या है एसपीआर वाले, पागल है क्या, मेरे को रुला रहा है ये, बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। ये ले, नहीं क्या जिंदगी है भाई ये। कहाँ से सच में, नहीं नहीं एक चीज बताओ सच में भैया, आपको लग रहा है ना ये कितना घटिया खेल रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई। तुम रेंटिटी यूज करने पे आ जाओ, रेंटिटी तुम्हें पता चलेगा कितनी टट्टी है ये। और मैंने जानबूझ के ये स्पेल किया था वर्ड रेंटिटी, वैसे असली में ये रेंटिटी है, रेंटिटी है सॉरी रेंटिटी है, पर ये सच में बहुत टट्टी है इसलिए मैंने इसका नाम रेन टट्टी रखा। मैंने मिसस्पेल कर दिया गलती से मजाक में, सॉरी। निकलो बंदे हो, जाओ तुम अंदर जाओ बैठो भाई, टट्टी है रेन टट्टी नाम होना चाहिए था। ओ स्मोक किल हो गई मेरी, लॉल। मेरे ज्यादा पास नहीं आते तुम, हर कोई मेरे मुंह पे ही आके गिर रहे। तेरी प्रॉब्लम क्या है टीममेट ऐसी की तैसी, दोनों को मार दिया मुंह में ऐसी मार। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ओके हमने ज़ोन लिया हुआ। हेडशॉट, ओ शिट शिट, काट के चला गया भाई काट के। बंदा ये रेड डॉट यही दिखा रहा है मैप के बाहर, क्या क्या डराता किया भाई। चलो थोड़ी एके भी यूज कर लेते हैं, एके से क्या दुश्मनी। निकल यहाँ से, ओ भाई नहीं, नहीं। मेरे को ना अब मैंने जाके मेरे को पछतावा हो रहा है भाई, ये रेंटिटी अनलॉक करना वर्थ इट नहीं था बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था भाई। चलिए गाइस अब थोड़ा सा रैब रैंक गेम प्ले करते हैं। तो गाइस सीधे रैंक मैच में मिलता हूँ आपसे, या फिर छोड़ो यार यहीं से आपको दिखा देते हैं, यकीन नहीं हो जाएगा रैंक मैच में है। तो हम रैंक मैच में
8 पॉइंट खेलने वाले क्यों हो गया था रेप्टाइल का हम तो भाई स्नो तो जो भी हो बोलने से क्या पता डिसेबल नहीं मैं रेप्टाइल ले पाता अब बिकॉज भाई मेरे को ना एक पर डायमंड कैमो काफी प्यारी लग रही है गोल्ड कैमो तो भाई अलग ही शाइन मारती है पर नहीं अच्छी लगती मेरे को ये स्किन ये देखो आपके सामने रंग मैच गए गाइस मैं आपसे मिलता हूँ सीधे मैच के अंदर तो गाइस मैं फाइनली एक मैच के अंदर आ चुका हूँ और मैं रैंक पुश भी करना है मेरे को इसलिए मैं रैंक भी खेल रहा हूँ हाँ हम लोकस और रेंटिटी दोनों से खेलेंगे क्योंकि भाई रेंटिटी से भाई नहीं खेला जाएगा मुझसे इतना ज़्यादा सबसे पहले थोड़ी लोकस किल्स कर नहीं सबसे पहले रेंटिटी का हक जाता है क्योंकि आज की वीडियो उसी के ऊपर है और उसी को उसकी वीडियो में यूज़ नहीं कर रहा हूँ ये देखो बंदे कैसे भगौड़े हैं भगते हुए जा रहे हैं भाई दूर ही रहो तुम मुझसे ओ भाई बिल्कुल अच्छी नहीं रेंटिटी टट्टी है ये भाई शॉर्ट्स में सो रहे मेरे गाइस ये बहुत बुरा हो रहा है यार मेरे साथ को गुस्सा आ रहा है मेरी टीम अच्छी है इसलिए जीत रहे हैं भाई तो भाई बंदे को पेल के रख दिया भाई ने पेल के रख दिया भाई पेल के बंदे आ रहे बधाई हो ओ भाई सच में यार हिट मार कर भाई इतने गंदे दिन देखने पड़ गए खेल भी नहीं हो रही अब तो रैंक की आदत नहीं है अभी मेरे को ऐसी की तैसी बंदे हेडशॉट खा फाइनली एक किल मिल गया हमें रेंटिटी से और सीधे हम मर गए रैंक टट्टी है इसके लिए कोई अच्छा लोडआउट बना दो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल यहाँ पे कोई यूट्यूबर आईफर्ग बॉबी प्लेस गॉडज़िली विनती करता हूँ आपसे मैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेक अ गुड लोडआउट फॉर दिस गन जो लोडआउट वो बनाते हैं ना ओपीएस इन द चैट है ओ भाई मजाक चल रहा है गोलियां पड़ गई कहां पर है बंदा ओ कहां पर है भाई गोलियां पड़ गई बहुत गंदी नहीं तू पागल है अबे तू पागल है क्या Hostiles have captured the hard point. कोई नहीं आ रहा भागो 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 आई गोड़के निकल यहाँ से जो अंदर बैठो ये सब वहीं से पीछे से भाग के आएंगे मुझे पता था आगे से कोई आता तो मैं बचाऊंगा निकल यहाँ से इतनी भी खराब स्नाइपिंग है यार अरे हाय 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 गुस्सा दिला रहे मुझे भैंस की मैनोवर परेशान हो गया अपने लोड आउट से नहीं मतलब स्नाइपर में तो लोड आउट कोई भी लगाओ भाई स्नाइपर तो तब भी खतरनाक ही होती है वन शॉट ही करती है वो तो बंदे की गति पीछे ही पड़ गए ये लोग तेरी ऐसी की तैसी रुक किल तो मैं लेके रहूंगा रुक जा मारना ही सही
हम स्नाइप करेंगे इन्हें। भाई क्या है यार ये पिस्टल, यार मुझे गुस्सा आ रहा है सही में ना। सच में आपकी प्रॉब्लम क्या, पहले आप ये बताइए। भाई मेरे को पिस्टल यूज ही नहीं करनी, इतनी बेकार है। दिस पिस्टल इज ऑफुल, बहुत घटिया। देखा देखा ये देखो इसकी हरकतें देखो आप, पता नहीं कर क्या रहा है वो वहां पर। चुप, ये कैंप कर रहा है। पिस्टल को रिप्लेस करो, ये पिस्टल उठाओ, उठाना। गाइस मैं रेकमेंड करूंगा आपको अनलॉक करना है तो कर लो भाई, पर यूज मत करना ये। अनलॉक इसलिए कर लो क्योंकि फिर मन करता है कभी कभार यूज करने का, पर और अनलॉक इसलिए मत करना क्योंकि आगे आप अनलॉक करोगे तो फिर यूज करने का कभी मन भी नहीं करेगा। निकल बे, देखो लगता है तुम मेरी स्नाइपिंग से बच जाएगा। ये बंदा डीगल पे था, मुझे तब भी नहीं मार पाया, पूरा मैच लोकस पे खेला है तब भी। गाइस भाई ट्रैश पिस्टल है गाइस, मैं आप सभी लॉबी में मिलकर इसके बारे में बात करता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस मेरे को इस पिस्टल के बारे में बात करनी थी। गाइस ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये पिस्टल बकवास है, ये पिस्टल ठीक है, पर गाइस इस पिस्टल का जो मतलब क्या कहते हैं एडीएस है वो बहुत ख़राब है। ये बहुत, हाँ आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत धीरे ये अपना स्कोप खोलती है। ऑफकोर्स मेरे को पता है स्टिपल ग्रिप टेप लगाएंगे, पर मैंने वही लगाया हुआ था, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। कॉल ऑफ ड्यूटी में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ऐसी गन्स मत भेजिया करिए प्लीज़, क्योंकि गाय मैं क्या कहूँ आपको, अब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आप प्लीज़ ऐसी गन्स मत भेजिया करें क्योंकि लोगों को रैंक पुश करना होता है। जो अच्छी गन्स होती हैं उनको आप नर्फ कर देते हो, वो रैंक पुश कैसे करेंगे? आपको कोई कंपेटिटिव गन रखनी पड़ेगी ना। गाइस मेरे को पता है कि सब फिर वही गन यूज़ करेंगे 0.50 GS जैसी की है, पर वो भी आप नर्फ कर दोगे धीरे धीरे, पर आप नई नई गन्स ऐसे लाते रहिए, उसका डैमेज अच्छा रखिए। गाइस मैं चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल तक पहुँच जाए ताकि वो ऐसी अच्छी गन्स बना पाए जैसे कि DRH थी, मैन ऑफ वॉर थी, ASM-10 थी, बहुत सारी गन थी, और QQ-9 QQ-9 तो अभी मेरी पर्सनल फेवरेट है, और लोकस तो वो नर्फ भी कर देंगे तब भी लोकस वन शॉट ही रहेगी। हाँ तो गाइस मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये गन यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप ये गन यूज़ करते आप पूरा अपना टाइम वेस्ट करेंगे इस गन के ऊपर, गोल्ड अनलॉक करना, फिर डायमंड, फिर डमास्कस, पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है ये गन यूज़ करना मेरे ओपिनियन में। आपको कैसे लगती है ये गन यूज़ करना? ठीक है गाइस अब मैं ये टॉपिक यहीं पर एंड करता हूँ। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में मेरे को कौन सी है दूसरी गेम खेलनी चाहिए ताकि मैं उसकी वीडियो आप तक जल्दी ला सकूँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय।